जूतों में ड्रग्स छिपाकर बहनों संग संजय दत्त ने फ्लाइट में किया था सफर। संजय दत्त की बायोपिक फिल्म संजू का दूसरा गाना कर हर मैदान फतेह रिलीज हो गया है। इस गाने में संजय दत्त की ड्रग्स की लत का डरावना चेहरा दिखाया है। आखिर कैसे ड्रग्स के चलते एक्टर की जिंदगी तब ही के कगार पर खड़ी होती है, कैसे उसके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होते। इस गाने को देखकर संजय दत्त के उस इंटरव्यू की याद आई जो उन्होंने साल 2016 में जेल से रिहा होने के बाद दिया था। इस इंटरव्यू में संजय दत्त ने ड्रग्स की लत के चलते अपनी जिंदगी से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली घटना का जिक्र किया था। संजय दत्त ने इंटरव्यू में बताया था कि जब उनकी मां का कैंसर का इलाज चल रहा था उस दौरान वे ड्रग्स की चपेट में आ चुके थे। संजय दत्त ने कहा, उस दौरान मेरी डेब्यू फिल्म रॉकी बन रही थी और मुझे आज भी एक घटना याद है। संजय ने कहा, मैं ड्रग्स का इतना आदी हो चुका था कि एक दफा मैंने सफर के दौरान 1 किलोग्राम के करीब हीरोइन ड्रग्स अपने जूतों में छिपा ली थी। उस वक्त एयरपोर्ट पर चेकिंग को लेकर उतनी सख्ती नहीं हुआ करती थी। सबसे आश्चर्य की बात कि मेरे साथ उसी फ्लाइट में मेरी दोनों बहनें भी सफर कर रही थी। आज भी मैं इस बात को याद करके डर जाता हूँ, क्योंकि मैं पकड़ा जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बहनों का क्या होता। संजय दत्त ने आगे कहा कि ड्रग्स आपकी ये हालत कर देता है कि आपको अपने परिवार या किसी और चीज की कोई चिंता नहीं होती। संजय दत्त की जिंदगी से जुड़ी एक और घटना के बारे में बात करें तो उसे जानकर आप खुद भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि संजय दत्त किस कदर नशे की लत में डूबे हुए थे। संजय दत्त ने नशे की हालत में अपनी बहन नम्रता को इतनी जोर से धक्का दिया था कि नम्रता का पांव तक फ्रैक्चर हो गया था। नम्रता ने इस इंटरव्यू में कहा था, मैंने संजय दत्त से कई बार बात करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो उनके ड्रग्स बिना बिल्कुल नहीं रह सकते थे, यहाँ तक कि वे बहुत हिंसक हो जाया करते थे। हमारे बीच बहुत लड़ाइयाँ भी हुई, कई बार ये झगड़े बहुत ज्यादा बिगड़ जाया करते थे। नम्रता ने भाई संजय दत्त के साथ एक रात हुए उनके बड़े झगड़े के बारे में बात की। नम्रता ने बताया, उस भयानक रात संजय दत्त शराब के नशे में चूर होकर घर लौटे। माँ की मौत के कुछ ही दिनों के बाद की ये घटना है। मैं बहुत दुखी थी और संजय को इस हालत में देखकर मुझे और खराब लगा। मैं उस पर चिल्लाई, फिर वो भी मेरे पर चिल्लाए। मैंने गुस्से में उन्हें धक्का दिया और इसके बाद शराब के नशे में संजय ने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मेरा पांव फ्रैक्चर हो गया।